दुर्ग शहर में भी नए कानून संहिता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग शहर एवं वैशाली नगर विधायक तथा जिला के सभी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी स्कूली छात्र छात्राएं प्रेस मीडिया एडवोकेट सभी शासकीय विभाग के साथ आम नागरिकगण सम्मिलित हुए। दुर्ग पुलिस विगत 3 महीनों से लगातार नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता विषय पर कार्यशाला पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कॉलेज में चला रही थी। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में नवीन कानून शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वैशाली नगर विधायक राकेश सेन, दुर्ग सर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग, जिला दंडाधिकारी दुर्ग सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला, नगर निगम भिलाई आयुक्त देवेश ध्रुव, डीएफओ चंद्रशेखर सिंह परदेशी, एडीएम अरविंद कुमार एक्का, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुप्रनंदन राठौर, अभिषेक झा, देवरस सिरमौर, प्रज्ञा मेश्राम, श्रीमती पद्मश्री, सत्य प्रकाश तिवारी सीएसपी भिलाई नगर, सतीश ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक यातायात, निरीक्षक राजकुमार प्रभारी भिलाई नगर, पुलिस विभाग के रिटायर्ड अधिकारीगण के अलावा के यादव बीएसपी के अधिकारी उपस्थित हुए। एसपी शुक्ला ने सर्वप्रथम कहा, संपूर्ण भारत में भारत सरकार द्वारा नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि पूर्व में भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजी शासन द्वारा 1861 से नया कानून बनाई गई थी जो अब तक चल रही थी। अब भारत सरकार द्वारा आज की स्थिति में हो रहे अपराधों को देखते हुए नए कानून बनाया गया है जिसे भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है। लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक वैशाली नगर श्री रिकेश सेन द्वारा कहा गया, जब आप किसी भी कानून को पढ़ोगे तभी आप उसे कानून की जानकारी होगी। अगर आपको अपनी बात किसी भी शासकीय संस्था में रखनी है तो सर्वप्रथम कानून की जानकारी एवं हमारे अधिकार की जानकारी होनी चाहिए। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव द्वारा सर्वप्रथम समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को कानून लागू होने पर बधाई दी गई। अंग्रेज द्वारा बनाए गए दंड संहिता में आम नागरिक पुलिस के संपर्क में आने से डरता था, जबकि पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम पुलिस मित्र बनाने का कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के द्वारा सभी का आज इस आयोजन में स्वागत करते हुए बताया गया, पूर्व में भी जो भारतीय दंड संहिता थी वह अब भारतीय न्याय संहिता हो गया। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पहले दंड के लिए कानून बनाया गया था, अब पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है। इस नए कानून में 0 FIR के माध्यम से आप भारत के किसी भी थाने में जाकर अपना रिपोर्ट लिख सकते हैं, वह पुलिस वाला आपको मना नहीं कर पाएगा और आपकी रिपोर्ट को आपके थाना क्षेत्र में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब आप पुलिस के ईमेल एड्रेस एवं नंबर पर भी EFIR के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं, परंतु 3 दिवस के भीतर संबंधित थाने में जाकर आपको फिर से कॉपी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। पहले पुलिस को समय सीमा थी चलान पेश करने के लिए, अब इस कानून में न्यायालय को भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है। दुर्ग जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो अपने लिए इस कानून को बनाए थे और भारतवासियों को दंडित करने के लिए लागू किया गया था। जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी विभाग जैसे महिला बाल विकास, राजस्व विभाग, अन्य शासकीय विभाग सभी को अपने अपने विभाग में नए कानून में जो परिवर्तन हुए हैं उस संबंध में जानकारी होना आवश्यक बताया। इस प्रकार से ट्रैफिक एवं नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करना है, इस पर भी चर्चा की गई। 511 कानूनों में उन्होंने परिवर्तन किया है और जो साक्ष्य के आधार पर बहुत सारे नहीं हो पाते थे, वर्तमान टेक्नोलॉजी के समय में अब मोबाइल एविडेंस को भी माना जाएगा, बहुत सारे नियमों को शिथिल किया गया है। कोई पहले जमाने में जो कोई बाहर गया है, कोई टूर में गया है, किसी पारिवारिक कार्यक्रम से गया है और अचानक घर में चोरी हो जाती थी तो वो संबंधित को वापस आना पड़ता था FIR कराने के लिए। अब जो जहाँ है वो वहीं से ऑनलाइन वो वहाँ से FIR कर सकता है। कुल मिला के बोलने की है कि आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुविधा हो सके और न्याय की एक सीमा भी तय की गई है कि इतने टाइम लिमिट में उनका सब प्रकार की समस्याओं का सुलह हो सके, ये ऐसा
समय के मांग को देखते हुए बनाएंगे। पुलिस बल की कमी से जूझ रहा है छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पुलिस बल अभी सरकार के प्रक्रियाधीन में है, पिछले बार भी जो भर्ती निकली थी पिछली सरकार के कुछ कुछ खामियों का, वो कोर्ट में मामला आज भी अटका हुआ है और लगातार वर्तमान कानून ये लागू हुआ है, पहले IPC हुआ करता था, भारतीय दंड संहिता, अब जो है वो न्याय संहिता में परिवर्तित हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो कई जैसे केसेस थे चैन स्नेचिंग, अब चैन स्नेचिंग में जो है पुलिस क्या धावा लगाएगी, उसमें कोई वो नहीं था, तो उसको इसमें लिया गया है कि उसके तहत क्या धावा लगे। कभी भी जो लोग रेप के केसेस के लिए आते हैं तो रेप के केस में कई लोग बताते हैं, अपने बयान में लड़कियां बताती हैं कि मुझे शादी का झांसा देकर या मुझे नौकरी का लालच देकर मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसे में कुछ परिवर्तित किया गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि लगभग जो है सभी लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं, कई बार हम प्रेशर बनाते हैं कि कैसे मुचलका में छूट गया, कैसे क्या हो गया, अगर ये ज्ञान आपके पास रहेगा तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि एक सही रूप से जो भारत का लक्ष्य है, क्योंकि ये जो जितने कानून बदले गए हैं ये राष्ट्र हित में और देश हित में है जिसके